मोरबी पुल हादसे के तीसरे दिन भी रेस्क्यू वर्क जो है जारी है। अभी भी शवों की तलाश बच्चू नदी में की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग एजेंसियों के लोग अभी भी गोताखोरों को लेकर मच्छू नदी के चप्पे चप्पे को पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि कई लाशें जो हैं नदी के पट में हो सकती हैं, या बहाव में कहीं बहकर गई होगी, या फिर मलबे में दबी हो सकती हैं। साथ साथ में अगर मैं और बात करूं तो इस नदी के पुल को लेकर हुए हादसे के बाद में कई तरह के खुलासे भी हो रहे हैं। कल जो गिरफ्तार आरोपी थे उनको कोर्ट में पेश किया गया। उनमें से चार आरोपियों को जो है चार दिन की रिमांड पर भेजा गया है, पुलिस रिमांड पर। लेकिन इस बीच में जो और खुलासे हो रहे हैं, ये जो मलबा है उसको लेकर, जो पुल का मलबा, जो पुल टूटा हुआ है उसका जो मलबा सामने आया है उसको लेकर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये मेन रोड है, ये जो है ये मेन रोड है जिसके ऊपर पूरा भार जो है पूरा दारोमदार था। और उसके साथ साथ में ये जो एंगल्स थे, जो लटकते हुए एंगल्स थे और ये जालियां थी जिसको ढका गया था, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब कुछ पुराना है, ये सब कुछ कोई मरम्मत इसकी नहीं की गई थी। ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो नया लगाया गया था, इसके अलावा कोई भी नई चीज़ जो है इस पुल की मरम्मत में इस्तेमाल नहीं की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। साथ साथ में ये भी बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से कलेक्टर, चीफ ऑफिसर और जो पार्टी है जिसको टेंडर दिया गया था, कंपनी ओरेवा, उसके बीच में क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ और किस तरह से ये पूरा काम जो है वो दिया गया। बहरहाल पूरा मामला जो है अभी छानबीन चल रही है। सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि किस तरह से एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ये ठेका दे दिया गया और उसके बाद में जो FIR रजिस्टर की गई उसमें ठेकेदार का नाम क्यों नहीं है, जो वर्कर्स थे सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जब इस कंपनी की, इस पुल के मरम्मत का कार्य जो है वो दिया गया, इसके रिपेयरिंग का काम दिया गया, तो ये कहा गया, उसको आउटसोर्स किया गया और कहा गया कि जिंदल कंपनी जो है वो इसका काम कर रही है। लेकिन धांगधरा की एक कंपनी से पूरा ये रिपेयरिंग वर्क जो है वो करवाया गया, तो वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि झूठ का सहारा लिया गया। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर स्पष्टीकरण जो है वो जांच पड़ताल की रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद ही हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये हकीकत है कि 136 जाने इस पूरे हादसे में जा चुकी हैं और अभी तक कार्रवाई के नाम पर महज चंद छोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।